अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू द सेकंड वीडियो फ्रॉम फैसल गोट रैंच। फैसल भाई के साथ में हम लोग सब यूनिक बकरे, हर नस्ल के बकरे, हर क्वालिटी के बकरे दिखाएंगे इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। फैसल भाई, आपने सब बकरे दिखाए ये वीडियो में, आप स्टार्ट कर रहे हैं मरीनो के साथ। हाँ आसिम भाई, एंड वन ऑफ द वेरी बिग मरीनो ये आप बता रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिटेल पे होगा ये? इंशाल्लाह 100 kg होना चाहिए आसिम भाई। 100 kg का मरीनो? हाँ 100 नहीं तो 95 पकड़ो, कम साइड पकड़ो 95 होगा। इसकी झालर वगैरह दिखाते हैं हम लोग, फुल एक्टिव है। मरीनो जो होते हैं मैं बाज मरतबा देखा हूँ थोड़े सुस्त रहते हैं, ये बहुत एक्टिव है। एक्टिव है, एग्रेसिव भी है, मारने के लिए आ जाता है। असमें भाई इस साइड आओ, थोड़ा हाथ दो। पूरी झालर है, दुम से लेकर पूरी झालर है, बहुत बड़ा मेंढा है ये। फॉर सेल है, देना है? हाँ आसिम भाई देना है। तो पकड़ेंगे टाइट तो आगे से भी दिखा दो। फुल क्वालिटी में आसिम भाई, चलेगा। ये पहला मेंढा देख लिए, कान भी छोटे वाले हैं, ज़बरदस्त क्वालिटी के। उसमें की ये भी है मरीनो? हाँ ये, लेकिन विदाउट सिंग वाला है। ये विदाउट सिंग वाला है माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़बरदस्त है आसिम भाई। कितने दांत पे है ये? 6 दांत पे आसिम भाई, 6 दांत पे। वेट वगैरह 75 kg होगा इंशाल्लाह। 75 kg। हाँ। ये भी अंडू है ना? ये भी अंडू है। तो ये सब देने हैं जिसको भी चाहिए, स्क्रीनशॉट भेजो इंशाल्लाह। ले जाओ इसको, ले इसको डाल दे। ये देखो आसिम भाई अपना सानिन, हर नस्ल का शौक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई। फ्रेम देखो बकरे की, ये अपने मेहताब भाई से लिए है पुन्ने। अल मेहताब गोट फार्म। हाँ। बापू हमारे दोस्त खास भाई। इसके सिंग दिखाओ खाली आसिम भाई। वाह, कितने दांत पे है आसिम भाई? ये 6 दांत पे। और सिक्के देखो आप, 6 दांत पे अप्रोक्स 78 kg होगा ये। पूरा गुलाबी है, एज अ ब्रीडर खरीद सकते हो, खेल के हिसाब से जैसा आपकी तैयारी रहेगी। बहुत शानदार बकरा है, अच्छा बकरा है माशाल्लाह बहुत। आइए और नेक्स्ट बकरा देखेंगे अभी। बोर ले लेती हूँ, जा नुकसान। नदीम भाई मेरे को टूर करा रहे थे फार्म का, मुझे बकरा बैठा हुआ था लेकिन इतना पसंद आया, देखो अल्लाह ने सामने दिखा दिया। वाइट मेवा थी, फुल एंड फुल वाइट मेवा थी। गला पट्टी हमारे भाई है कलीम भाई, बकरा उनसे लिया, उन्होंने शौक के लिए लिए थे, लेकिन मैं बोला भाई अब शौक हम कह देंगे, हमको दे दो बकरा। मान गए गुरु। हाँ कोई अगर इसके अरे फोटो बनता आपका हो ना बाजू में, प्लीज आप थोड़ा कैमरा शाई हो गए यार। नहीं यार मैं कभी भी शाई नहीं हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम। माशा इतने हैंडसम हो तो यू नो आपको तो आना चाहिए फ्रंट में। आप शायद इसलिए नहीं आते कि बकरे थोड़े छोटे दिखेंगे। हाँ नहीं माशाल्लाह, मेरे को भी छोटा दिख, मैं भी दिखूंगा छोटा ईद में इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आ गया भाई, अच्छा बकरा है माशाल्लाह। लेके चले जाओ भाई इसको। चलो, कश्मीरी का शौक तो आपको हर साल करते हो, एक या दो बकरों पे। लास्ट ईयर जो 2 कश्मीरी क्लासिक गोट फार्म पे तैयार हुए थे, मेरे को लगता है पूरे इंडिया से कॉल आए थे आपको उनके लिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, खासकर आपके खास दोस्तों के दिल्ली से बहुत फोन आए थे। जी जी जी, अपने सलमान भाई है। तो उन्होंने लिए बाद में बकरा? हाँ लिए, उन्होंने उनके घर पे ही है बकरा। अल्लाह उनकी कुर्बानी चाहे तो वो वापिस आ जाएगा अपने पास। चले ये कश्मीरी देखो, ये अंडू है, ये अंडू है। अप्रोक्सीमेटली ये 65 kg वेट होगा इसका। व्हाइट आइस में है, मार्बल सिंग है, धुला नहीं अभी है, कान वान पूरे है। ठंडी का मौसम है, बहुत बहुत एक बार धुल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा एकदम। चलेगा, लाओ भाई अभी दिखाएंगे। लास्ट टाइम जो आग लगी थी मार्केट में, लोगों ने लिखे थे कमेंट में बाकायदा, फैसल भाई ने हमारे बोर का शौक जगा दिया। लाओ भाई ये देखो माशाल्लाह, फुल इंग्लिश कलर में है। ये अदन था? हाँ ये 2 दांत पे है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो में बफ, ऐसा बफ देखने मिलेगा? लास्ट टाइम इनके बाल कटे हुए थे, अभी ये बड़े वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए, इनके भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सौदे हुए थे लेकिन बैठे नहीं हिसाब। देखो ना क्या हेल्दी बकरा है यार भाई, मज़ा आ गया। बहुत अच्छे बकरे माशाल्लाह। वजन क्या आएगा ये? अप्रोक्सीमेटली 76 kg का होगा। ये देखो अपकमिंग हल्क, अपकम ओहो, एक से एक शेर आ रहा। ये सब देने हैं ना भाई? हाँ ये इंशाल्लाह देने हैं। पैर भाई, पैर देखो उनके, झालर पट्टी देखो, सब क्वालिटी के बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों के अंदर कोई कमी ये नहीं। 2 दांत पे भी? हाँ नहीं नहीं, इसने 4 कर लिया है, 4 इसने 4 कर लिया है। ये दोनों 85 kg अबव है दोनों भी। कवर फोटो के लिए चले जाओगे बीच में? जाओ जाओ आप। अजमत भाई बस
मजा ही आ गया। चलो एक बार ये भी दिखा दो बड़ा वाला। दिखाता हूँ, सब सब दिखाएंगे एक एक करके। आप ही दिखा के ले जाओ इसको पहले। चलेगा, अभी ले लाओ मछली। ये भी माशाल्लाह बहुत लाजवाब बच्चा है आसिम भाई। कलर भी अच्छा, रुकते नहीं है। ऐसे तीन आदमी चाहिए एक बकरा संभालने को। बिल्कुल आसिम भाई। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ रहा है ये रिजल्ट देखकर। खास करके लास्ट टाइम जो बोर का वीडियो बनाया था, शायद आपको टाइम मिला कि नहीं, कमेंट ऐसे आए थे कि बोर का शौक बढ़ गया लोगों के अंदर। हाँ नहीं, अल्लाह करम से देखो आदमी लोग मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में ही है। अपनी अपने अपना काम है, कोशिश करना, अच्छे से अच्छा उनको रखना, अच्छे से अच्छा खिलाना। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए तो अच्छे से अच्छी उसके लिए दवा दारू का इंतज़ाम करना, बस ये हम लोग करते हैं। बाकी नतीजा तो अल्लाह के हाथ में ही है। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लाइक अल्लाह की मर्जी है ना। सही है, मेहनत तो जो दिख रही है वो है यहाँ पर और काफ़ी बकरों में तैयारी है। और ऐसा नहीं, आपने फार्म एकदम ओपन रखा, हम लोग वॉक किए, आपने ये नहीं बोले कि भाई ये बकरा मत दिखाओ कि ऐसा कुछ। वो अपना तो खुला ही फार्म है, सबके लिए ही खुला है। कोई ऐसा छुपे हुए बाड़े या कोई ऐसा अलग से कोई सेक्शन नहीं है। सब पब्लिक जब सैटरडे संडे वीकेंड्स पे भी जब आती है तो खुला हुआ ही है। आदमी हर जगह जाता है, घूमता है, पसंद के बकरे देखता है, शौक पूरा करता है, चले जाता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जजाकल्ला फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने लेट। नहीं नहीं, लेट हो गया। बहुत बहुत जजाकल्ला आसिम भाई, मतलब टाइम निकाल के आए आपने जी, उसके लिए अल्लाह आपको जजाए खैर। तो आने वाले वीकेंड्स में लोग क्लासिक गोट फार्म की सीरीज एंजॉय करें। हाँ, बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई।